लॉकडाउन के दौरान गोरखपुर की पुलिस और समाजसेवी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरदिलपुर स्थित एक होटल में मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिजनौर से आए लगभग 18 व्यापारी, जो पिछले 17 दिनों से भोजन के अभाव से चिंतित और परेशान थे, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप कुमार वर्मा, समाजसेवी लालू कुमार गुप्ता, राशिद कलीम अंसारी, मोहम्मद आसिफ और संतोष कुमार प्रजापति के सौजन्य से सभी व्यापारियों के भोजन पानी की उचित व्यवस्था की गई। व्यापारी की आजीविका के लिए एक महीने का आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी सहित अन्य जरूरी सामान उन्हें दिया गया। ठीक है, दो एक लोग और आप लोग। सब्जी प्याज इसका आपको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है सर? बना तो हम लेते हैं, गैस का ऑप्शन गैस है यहाँ। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए समाजसेवी सरदार सतपाल सिंह व सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, बाहर से फंसे हुए लोग, दिव्यांग, गरीब, दिहाड़ी मजदूर इस लॉकडाउन के दौरान भूखों न मरें, इस मंशा को दृष्टिगत देखते हुए सर्किल कोतवाली द्वारा, हमारे थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा, चौकी प्रभारी और सभी आमजन पुलिस द्वारा जन सहयोग के तहत हमारे शहर के प्रमुख साड़ी व्यवसायी श्री शंभू शाह जी की ओर से कहा गया कि सभी गरीबों को मेरी ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था कराई जाए। उसके तहत आज हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रांतों से खन्ना लाज में फंसे हुए करीब 21 लोगों को, जो भूखों मरने की स्थिति में आ चुके थे, कल उन्हें भोजन मुहैया कराया गया था। प्रशासन ने हम लोगों के लिए, पुलिस प्रशासन आज हम लोगों के लिए एक महीने का भोजन और इसको देखते हुए कर्फ्यू को हम लोगों का इंतजाम करा सर, और आने वाले समय पे भी हमारा प्रशासन ये भी कह रहा है कि जो घटे बढ़ेगा हम लोग आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। अभी तक कोई आया था कि इससे काम कर लेंगे? नहीं सर, वैसे नहीं सर, क्योंकि इंचार्ज साहब कल आ चुके हैं और भी परसों भी आ चुके हैं हमारे देखभाल के लिए, और आज पूरा प्रशासन हमारे साथ में है और प्रशासन के साथ साथ में और पूरा हमारे लिए भोजन की तैयारी भी।